जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 19, ठीक है, यह है क्लास 8 वाला के लिए और क्लास 10 वाला के लिए, 8 और 10 के लिए है। बहुत दिन से खोज रहे थे लेंस, आज हम लेंस शुरू करेंगे। वैसे अभी भी लेंस नहीं शुरू होना चाहिए क्योंकि अभी बहुत सारा टॉपिक पीछे बाकी है, लेकिन हमको 8 वाला को साइड करना है, ठीक है, इसीलिए लेंस बढ़ा करके हम 8 वाला को पहले साइड कर देते हैं, ठीक, उसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे अपना। चलिए, जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गा, जय माँ बंगलामुखी। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। लेंस क्या पढ़ना है आपको? लेंस पढ़ना है, नहीं तो ये काहे हम लिखे हैं? लाइट ना, लाइट पार्ट 19 इसके लिए है, क्लास 8 और क्लास 10 के लिए। इसमें मेरा टॉपिक है क्या? लेंस। सबसे पहले लेंस का डिफिनीशन लेना है। तो जैसे मिरर में हम लोग लिए थे स्फेरिकल मिरर, लेकिन वो क्या हॉलो स्फेरिकल मिरर नहीं लिए थे, इसमें लेना है स्फेरिकल, तो लेना है स्फेरिकल बॉल लेना है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हॉलो नहीं कर रहा, बात समझ गया, दोनों मंत्र जान रहा है। मान लीजिए तुम्हारे पास बॉल है, टेनिस बॉल जो खेलता है वो, यदि मान लो कांच का रहे, अंदर में खोखला रहे, ठीक है, तो उससे हम कनकेव कन्वेक्स मिरर बना लेंगे, ठीक। वही कोई ड्यूज बॉल हो, कांच का रहे नहीं, तब उससे हमारा क्या बनेगा? लेंस बनेगा, ठीक, दोनों में यही अंतर है। हाँ, तब है कि डिफिनीशन तो लिखना होगा, तो लेंस का डिफिनीशन लिख लो। लेंस का डिफिनीशन हम पहले लिख लें क्या? ए लेंस इज ट्रांसपेरेंट, दिखाई दे रहा है साफ साफ, मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस, टू स्फेरिकल सर्फेसेस या वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन सरफेस, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लेंस को दो भाग में बांट देते हैं, क्या क्या? एक कन्वेक्स लेंस और दूसरा कनकेव लेंस, ठीक है, एक कन्वेक्स हो गया दूसरा कनकेव हो गया। अब इसमें आ गया, हम क्या बोले हैं कि गोला बनाना है नहीं, स्फीयर, ठीक। तो मान लो कि एक स्फीयर मेरा ये, ठीक है, और एक दूसरा स्फीयर मेरा ये, स्फीयर है, ठीक है, दो स्फीयर, ये सब क्या है मेरा? स्फीयर, ठीक। हम कह रहे हैं कि इसमें से इतना काट लो, इसमें से भी इतना काट लो, ठीक है,
दोनों में से इतना इतना काट लिए, काट लिए तो क्या बचा मेरे पास? तो मेरे पास बच गया भाई, ये ना बचा, चलो और इधर बच गया, ये बच गया, बच गया ना, ये दोनों को मिला दो, इसको मैं यहाँ पलट देते हैं, इसको यहाँ पलट दिया, इसको यहाँ पलट दो, हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कौन लेंस कर रहा है, कन्वेक्स, इसको क्या करेंगे हम लोग, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक काम कर दो, आवाज कनकेव, कनकेव में फिर वैसे ही आ जाओ, दो स्फीयर ले लो, दो स्फीयर ले लिया, एक स्फीयर ही, एक स्फीयर ले लिया, इसमें भी वही सेम कटिंग होगा, इसमें भी सेम कटिंग होगा, क्या कटिंग, यहाँ से कट, यहाँ से कट, ठीक, यहाँ से कट कट जब हो गया तो क्या होगा, सही कट गया, ठीक कट गया, तब इसको भी हटा, इस बार इसको भी हटा, उड़ा दिया, ये दोनों को मिला, ठीक है, ये मेरा कौन लेंस हो गया, कनकेव, कौन लेंस हो गया मेरा, कनकेव लेंस, काम करना, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, और कन्वेक्स लेंस आप जो यहाँ डिफिनीशन लिखे हैं, यहाँ पर क्या डिफिनीशन लिखे हैं आप, कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, इट इज बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, तो जैसे दोनों स्फेरिकल सरफेस है, या वन स्फेरिकल सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस, लिखा ना, वन स्फेरिकल सरफेस और वन प्लेन सरफेस, उस हिसाब से ये अब बट जाएगा, ठीक है, ये क्या बटेगा सो देखिए, ये जो कन्वेक्स लेंस है ये अब हो जाएगा तीन टाइप का, ठीक है, ये जो कन्वेक्स लेंस है ये अब हो जाएगा कितने टाइप का, तीन टाइप का, कौन कौन सो देखो, एक तो मान लो कि दोनों तरफ कन्वेक्स है, इधर भी कन्वेक्स और इधर भी कन्वेक्स, दोनों तरफ कन्वेक्स, यानी डबल कन्वेक्स लेंस, या इसी को बोला जाता है बाई कन्वेक्स लेंस, नहीं इसको हम लिख देते हैं, इसका क्या नाम है, डबल कन्वेक्स लेंस, या और क्या लिख सकता है, और इसको लिख सकते हैं बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है, आप दोनों तरफ स्फेरिकल हुआ, दोनों तरफ कन्वेक्स है, अब हम एक तरफ प्लेन कर देते हैं और दूसरा तरफ कन्वेक्स कर देते हैं, नहीं हो जाएगा, एक तरफ प्लेन कर दें और दूसरा तरफ कन्वेक्स कर दें, जैसे इधर हम प्लेन कर दिए और इधर हम क्या कर दिए, कन्वेक्स कर दिए, इसका नाम क्या होगा, प्लेन कन्वेक्स, नहीं प्लेनो कन्वेक्स, क्या बोलेंगे इसको, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, क्योंकि ई पार्ट मेरा क्या है, प्लेन, ई पार्ट क्या है, कन्वेक्स, इसमें दोनों पार्ट क्या था, कन्वेक्स, दोनों पार्ट क्या था, कन्वेक्स, अब क्या होगा, अब हो रहा कि एक तरफ कनकेव एक तरफ कन्वेक्स, नहीं एक तरफ कनकेव और एक तरफ कन्वेक्स, जैसे ये हो गया कनकेव, ये हो गया कन्वेक्स, इसका नाम हो गया कनकेवो कन्वेक्स, क्या बोलेगा, कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स,
कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इधर नहीं आएगा मेरा, इधर नहीं आएगा, अच्छा आ जाएगा, उसको मैं से बना देते, ठीक है, उसको मैं से बना देते हैं, ठीक। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक। अब तो बन गया, चलो ये क्या है, इसमें भी वही, एक तो दोनों तरफ कनकेव यानी क्या, बाई कनकेव यानी क्या, डबल कनकेव, क्या हो गया मेरा डबल कनकेव, या इसको क्या बोलेंगे, बाय कनकेव, हो गया। दूसरा क्या, प्लेनो कनकेव, नहीं हो गया, प्लेनो कनकेव, ठीक। और तीसरा क्या, कन्वेक्सो कनकेव, नहीं तीसरा क्या, कन्वेक्सो कनकेव, इसको ले लो, कनकेव है क्या, कन्वेक्स, इसको क्या लिखें, कन्वेक्सो कनकेव, समझ गया बात, छह टाइप का मेरे पास लेंस हो गया, ठीक है। कितने टाइप का लेंस हो गया, छह टाइप का लेंस हो गया, ठीक। अब हम आ जाते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस को छोड़ो, पहले पहले इसके पार्ट्स में, इससे रिलेटेड जो टर्म सब है उसमें आ, टर्म्स रिलेटेड टू क्या, लेंस, टर्म्स रिलेटेड टू क्या, लेंस, देखो कहां से शुरू होता है, मिरर याद करो, मिरर लिए, मिरर का सेंटर होता था, नहीं होता था, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता था, उसी प्रकार से इसमें मान लो कि एक मेरा ई एक स्फीयर था, नहीं, और दूसरा स्फीयर मेरा ई था, ये नहीं हुआ, इसका सेंटर अलग, इसका सेंटर अलग, हो गया। इसका मतलब ई जो मेरा कन्वेक्स लेंस है, नहीं, इसका एक सेंटर ई हो गया और एक सेंटर नहीं हो गया, यहाँ एक परपेंडिकुलर गिरा, इसके पीछे भी कारण है बता रहे, और ये जहाँ कटता है ये पॉइंट मेरा कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये दो मेरे पास यहाँ सेंटर हो गया, एक को मान लो C1, दूसरा को मान लो C2, C1 और C2 क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 C2 क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो एक्सिस हुआ ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पूरा मेरा एक्सिस हुआ ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और सी के बीच में क्या हो, एफ वन और एफ टू, फोकस वन फोकस टू, उसमें एक था, इसमें कितना हुआ, दो, चलो अब तो लगभग सब पॉइंट आ गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अपर्चर, अपर्चर क्या हुआ, ठीक है, अपर्चर क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्शन करेगा, जो पार्ट रिफ्रैक्शन में भाग लेगा, यहाँ से यही तक ना, ये क्या कहलाएगा, अपर्चर यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब जो पार्ट
रिफ्रैक्शन में भाग लेगा। ये मेरा क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक अपर्चर, इसको क्या बोलेंगे अपर्चर, नहीं हो गया ये क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इसी प्रकार से कहेगा कंकेव, कंकेव में भी तो ऐसे ही कंकेव का ले लो ले लिए, इसका भी तो सेंटर हुआ, इसका भी तो सेंटर हुआ, ये कहलाएगा सी वन, ये कहलाएगा सी टू, ये क्या कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर, इसको मान लेते हैं एफ टू, इसको मान लेते हैं क्या एफ वन, और यहाँ से यहाँ का क्या होगा फोकल लेंथ, वही सेम रूल एफ इजिकल टू आर बाई टू, जैसे यहाँ से यहाँ का क्या कहलाएगा कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा एफ, यानी एफ इजिकल टू कितना आर बाई टू, इसमें भी वही बात यहाँ से यहाँ तक क्या एफ, यहाँ से यहाँ तक क्या आर, एफ इजिकल टू क्या आर बाई टू, ठीक है। चलो हम इसे आगे करते हैं, टर्म जो इससे रिलेटेड है उसको तो हमको थोड़ा थोड़ा और डिफाइन करना होगा ना, इससे रिलेटेड टर्म जो हुआ मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, अपर्चर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल फोकाई, फोकस देखो फोकस का प्लुरल क्या होता है फोकाई, तो मिरर में मेरे पास तो एक ही फोकस था इसलिए फोकस कहते थे, यहाँ पर दो फोकस है इसलिए क्या होता है फोकाई। चलिए अब हम उसको थोड़ा डिफाइन कर दें, ठीक तो फिगर में बता दिए उसको अब डिफाइन कर लीजिए। टर्म्स रिलेटेड टू लेंस डिफिनेशन लिखना होगा, समझ गया, छोड़ना किसी को नहीं, कोई पार्ट से दूरी मत करना। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो, यहाँ यहाँ है ना, पहला हम लिख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कहेंगे सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेसेस फ्रॉम विच द लेंस हैज बीन कट, बस हैज बीन कट, क्या है सबसे सिंपल सेंटर, किसका सेंटर, जिस स्फीयर से आपका लेंस कटा है उसका सेंटर, इसका क्या कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट नंबर टू में अपर्चर, अपर्चर अपर्चर क्या है, वह पोर्शन, वह रिफ्रैक्टिंग पोर्शन, ठीक है, जहाँ से क्या होगा लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा। क्या लिखेगा रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, हो गया, इज कॉल्ड क्या अपर्चर। अब आ जा पॉइंट नंबर थ्री, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस ऑफ
the sphere, the radius of the sphere of which the lens surface is a part. The lens surface is a part. ठीक है. पॉइंट नंबर फोर, प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस एकदम शॉर्ट करते जाते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ ज्वाइनिंग द सेंटर नहीं सेंटर्स ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. ठीक है. अब आ जा पॉइंट नंबर फाइव. अब आ जाइए ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस. दी ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड क्या? ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. नहीं दिखाई देगा उसमें तो देगा उसमें नहीं देगा ना? थोड़ा सा. ठीक है. पॉइंट नंबर सिक्स. बैटरी आ गया क्या? बैटरी गोल हो गया था. अब क्या बोले हैं? छठा पॉइंट एक ही ना बाकी है. प्रिंसिपल फोकल क्या है? फोकल principal foci at equal distance from the optical center of the lens. Medium of the either side of the lens. Principal foci का क्या लिखा है definition? इसका definition लिख दो क्या? Half of radius of curvature. Radius of शुरू में लगा दो डिस्टेंस. डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस नहीं लिखना है तुमको. फोकल लेंथ नहीं लिखना है. प्रिंसिपल फोकाई लिखना है. ठीक है. तो प्रिंसिपल फोकाई लिखना है तो क्या डिफाइन करेगा इसको? प्रिंसिपल फोकाई फोकस इसको प्रिंसिपल फोकस लिखो. फोकाई नहीं लिखो. कहता है कि जिस तरफ से हमारा इंसिडेंट रे आएगा नहीं जिस तरफ से मेरा क्या आएगा इंसिडेंट रे आएगा वो मेरा कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस. ठीक है. लेंस है ना दोनों तरफ से ना इधर से भी और इधर से भी. इधर से आएगा तो प्रिंसिपल फोकस ये हो गया. इधर से आएगा तो प्रिंसिपल फोकस ये हो जाएगा. ठीक है. चलो इसको अपना लिख लेना. हो गया. अब हम चल जाते हैं इससे अगला पॉइंट पर. फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकेंड फोकल पॉइंट उसको अलग से डिराइव करना होगा. चलिए अब हम आ जाते हैं. वो आगे चला ही गया. चलिए जय माँ बंगला मुखी.